I hate someone recording me. I hate pictures also. Hey guys, good morning and merry Christmas and a happy new year. Welcome to my vlog where I'm riding from Bangalore to Hampi. इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, 6:20 AM इन द मॉर्निंग. मैं अपने घर से 5:15, 5:20 टाइप्स कुछ निकल गया था और मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में था तो मैंने नाइस रोड आउटर रिंग रोड टाइप्स लिया और फिर अभी मैं टुमकुर रोड पे जस्ट एंट्री मार रही हूँ. और मैंने अभी से स्टार्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि मैं आपको ट्रैफिक दिखाना चाह रहा था, क्रिसमस का ट्रैफिक. आज क्रिसमस डे है, 25th है और ये सारी की सारी जो जनता है बैंगलोर से बाहर निकल रही है टू एंजॉय द वीकेंड एंड इट्स क्रेजी ट्रैफिक आउट हियर राइट नाउ, वेरी अनएक्सपेक्टेड एट दिस आवर इन द मॉर्निंग, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है. ठंड है यहाँ पे बैंगलोर में, इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स के कंपेरिजन में. और मैंने बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट एक साल बाद अपने वार्मर्स पहने हैं, पैंट और जैकेट के. ठंड में राइड करने का अलग ही मज़ा है. मेरे हाथों पे जो कि ग्लव्स हैं इन पे मुझे ठंड लग रही है और मेरे जूतों के अंदर से हवा जा रही है. और ये देखिए ट्रैफिक, फुल पावर भरा पड़ा है ट्रैफिक आज. इट्स जस्ट क्रेजी हाउ पीपल आर गेटिंग आउट द सिटी राइट नाउ. ये मेरे को ऐसी फील दे रहा है जैसे कोई ज़ॉम्बी इन्वेजन हो गया और सबके सब बस भाग रहे हैं शहर छोड़ के. Like all those Hollywood movies I keep watching. Roland Emmerich. Lovely guys. Petrol stop guys. पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए कैश मत. कैश नहीं है. कैश है. जीपे यूपीआई. तो तुमको रोड के साथ में मेरा ये इशू एक बार पहले हो चुका है. मैं गोवा मारा था. मैं यूजुअली रात की राइड नहीं करता लेकिन दिस इज़ द ईयर 2017 एंड आई वाज ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस. तो मैं सैटरडे को, वो भी क्रिसमस का टाइम था, वियर्ड दैट आई थिंक दैट वाज 24th. यस, सो ऐसा ही कुछ था कि 25th की छुट्टी थी और 26th का संडे था टाइप्स आई थिंक इन द ईयर 2017. तो मैं 24 की रात को गया था और मेरे कुछ फ्रेंड्स मुंबई से गोवा आ रहे थे एंड देर वॉज पंजिम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब नॉर्थ गोवा की साइड में कहीं था एंड द टोटल डिस्टेंस वॉज अराउंड 800 or so kilometers. उस वक्त आई यूज़ टू राइड अराउंड ऑन माई CBR 250. अब CBR 250 का टैंक वॉज 12 liters, 36 350-400 kilometers का उसका रेंज था. मैंने फ्यूलिंग करा ये फुल टैंक बेंगलोर से और निकल पड़ा तुमकुर रोड पे और वो एंड आई हैड लेफ्ट एट 5 PM ish, 5 बजे 5:30 बजे मैं अपने ऑफिस से निकला था जो कि सेंट्रल बेंगलोर में था और चला था क्या. अब क्या हुआ ना, 350 किलोमीटर के बाद जब मैं मिडवे अराउंड गोवा था, गोवा जाते हुए जब आप बैंगलोर से तो ऐसे ही खिली एरिया आता है जहाँ पे कोई नेटवर्क कुछ भी नहीं है, एकदम अंधेरा. एंड दैट वाज एट 10:30-11 इन द नाइट जब मेरा पेट्रोल ख़त्म. अब मेरे को तो याद ही नहीं रहा ना, मैंने एक बार फ्यूलिंग कराई और फिर मैं इस रोड पर आ गया और सीधे हाईवे पर खींच दी मोटरसाइकिल. याद ही नहीं रहा, पेट्रोल बंक दिखाई ही नहीं दिए क्योंकि साइड में ऐसे सर्विस रोड्स पे. इट जस्ट कम्प्लीटली स्लिप माई माइंड दैट आई हैड टू गेट द रिफ्यूलिंग डन अगेन और पेट्रोल ख़त्म हो गया था. आज कॉन्शियसली मेरे को याद आ गया, दिस इज़ आई थिंक द 3rd or 4th time आई एम कमिंग बैक ऑन टुमकुर रोड, तो मुझे याद आ गया थैंकफुली के ऐसे सीन्स हो जाते हैं. ट्वेंटी लीटर सर, 30-35. फ्यूलिंग डन ऑन द वे टू हम्पी नाउ.
फुल पावर पीपल, फुल पावर. आई थिंक आई जस्ट टेक वन मोर ब्रेक नाउ. आई रियली रियली नीड टू पी और कुछ खा भी लूँगा. सुबह मैंने चाय पी ली थैंकफुली, क्योंकि मैं आज बहुत वियर्ड हुआ. मैं सुबह 3 बजे उठ गया. आई वॉज सपोज टू वेक अप एट 4 बट आई गॉट अप एट 3. आई नो व्हाई, ऐसा कभी नहीं हुआ है. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटेड आई हैव बीन इन अ लॉन्गेस्ट टाइम फॉर अ राइड. आई वाज सो एक्साइटेड दैट आई कुडंट स्लीप एंड गॉट अप एट 3 AM. काफ़ी सही सीन्स रहे तो मैं फिर से 1 घंटा सोया मज़े से. मतलब 3 बजे उठ के मैंने चार्ली के साथ में थोड़ा सा खेल वेल लिया था. ही वॉज जंपिंग अराउंड. ये उसका जागने का टाइम होता है, वो पूरा दिन सोता है और रात को चिल करता है, इधर उधर भागता है और मेरे सोफे को फाड़ता है. विंडमिल्स. जयपुर में ना एक जगह है, उसका नाम है सागर. सागर पे विंडमिल है एक पहाड़ पे, और उस पहाड़ पे जाके हम लोग कैंपिंग करते थे. When I was in Jaipur, this is the year 2014 to 2016 types. जब मैं जयपुर काफ़ी रेगुलरली जाया करता था उस वक्त. Those are some good times. यार यहाँ खाने का सीन तो ठीक सा ही लग रहा है. हरियाणा मेवात ढाबा यूज़र फील हो रहा है. ये ऐसे ही मतलब कोई ढाबा दिखता है फिर मैं रुकता हूँ, फिर मैं आगे चल जाता हूँ. आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ आज. आई एम बीइंग वेरी मूडी टुडे. यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ उठने के 2 घंटे के बाद में, और अभी मेरे को उठे हुए मैं हो गए 4 AM. सो इट्स ऑलरेडी बीन अबाउट 5 hours और मैंने सिर्फ चाय पी है. होसपेटे स्ट्रेट, तो होसपेटे जो है वो हम्पी से अबाउट 20-30 किलोमीटर. ओ क्या इज ओके, नथिंग मेजर. नॉट इवन एन एक्सीडेंट एज सच. आई थिंक थोड़ा सा स्क्रैच था, बट द गाय वॉज वेयरिंग नी पैड्स सो कुछ हुआ नहीं थैंकफुली. सो ऑल कूल. This looks good. कुछ तो दे रही है आंटी. I think I can eat that. So ride upgrade guys. ब्रेकफास्ट हो चुका है, इडली सांभर मैंने खाया, काफ़ी अच्छे के गेस्ट थे. एंड आई अपडेट द लिंक ऑफ द प्लेस ऑल्सो. आई एम हाफ वे देयर. 1.5 घंटे का और रिश्ता है. आई शुड रीच देयर बाय 2 PM टाइम. ऑलमोस्ट डन. मैंने इनर लाइनिंग हटा दी है, काफ़ी गर्मी हो रही है. विंडमिल. So many windmills. Feel so kick-ass. ये ऐसे नीड फॉर स्पीड के किसी गेम के जैसा लग रहा है. गेम नीड फॉर स्पीड है, एनवायरमेंट नीड फॉर स्पीड है, और मोटरसाइकिल रोड रैश. लोल, बस अभी डंडा और चाहिए नहीं चाहिए मेरे को, सबको मारते हुए जाऊँगा. लमाओ. वाह 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 वाह, इतना अच्छा सा लग रहा है अभी.
हुबली बेलारी होसपेट, होसपेट चक्कर लेके राइट जाना है। मैं वो लगा ही लेता हूँ फिर तो, आई थिंक दिस इज़ अनदर वन ऑफ दोज नीड फॉर स्पीड टनल्स। ओके सो होटल इज 1 घंटे की दूरी पे यहाँ से। इनटू द टनल ये नाइस, आई फील गुड, दिस फील्स के कैस। क्या करते रहते हैं बच्चे। इट्स द क्लोजेस्ट टू हम्पी, सो अगर आपको हम्पी में होम स्टे होटल्स वगैरह फुल मिलते हैं देन यू हैव टू टेक अ स्टे इन होसपेट, जहाँ पे बहुत सारी होटल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। व्हेन आई वाज वर्किंग विद ओयो तब हम लोग होसपेट को ऐसे स्ट्रेटेजिक टारगेट लेके चले थे फॉर द कर्नाटक रीजन टू ओपन अप न्यू प्रॉपर्टीज। डिमांड अच्छी है यहाँ पर मोस्टली बिकॉज ऑफ हम्पी। गाइस अभी मैं हम्पी की पेरिफेरी टाइप्स पे आ गया हूँ, 18-20 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। एंड द ट्रैफिक हियर हैज़ रिमाइंडेड मी कि हम्पी में हेलमेट वगैरह लोग नहीं पहनते हैं, तो कल से मैं भी ग्लासेस में घूमूंगा विदाउट अ हेलमेट। आई विल आल्सो फ्लाउट रूल्स। गाइस आपने कभी ये फील करा है कि आप हाईवे पे भयंकर राइड वाइड मार के आ रहे हो और फुल पावर आपने राइड मारी है 80-90-100, आज तो मैं 100 की स्पीड पे था, 100-110, रोड थी इतनी सेक्सी थी। एंड हाईवे से आप शहर में आते हो और शहर में आते ही आपको स्पीड को धीरे करना होता है, शहर में आपको 40-50 पे चलानी होती है, लेकिन आपका जो थ्रॉटल और आपकी जो हार्ट बीट और जो मसल्स और जो साइकी बनी हुई है वो तो भाई 80-90 के लिए बनी हुई है। नो आई डोंट फील लाइक रिड्यूसिंग द स्पीड, आई एम गोइंग थ्रू दैट। और ये स्पीड ब्रेकर मेरा बार बार दिमाग ख़राब कर रहे हैं, फ्रिकिंग। एंड दिस इज सपोज टू बी अ स्टेट हाईवे, दिस इज SH-131। ये साउथ के अंदर ये बहुत है यार, हाईवेज शहर के बीच में से जाते हैं, स्पेशली इन केरला, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, तो हाईवे ऐसे इनके बीच से जाते हैं एंड आपको समझ ही नहीं आता कि आप शहर में हो या हाईवे पे हो। ये हम पे फिर से इधर से 4 किलोमीटर आ गया है, ये मेरा हॉस्टल भी दूर ही है यार, और ऐसे इस ट्रैफिक में मेरे को रोज कम्यूट करना पड़ेगा। नाउ आई एम फीलिंग कि मैं हेलमेट लगा ही लूँ, ये ट्रैफिक तो बेंगलोर ट्रैफिक जैसा ही है। And a weird mix of local Hampi people who are used to these roads and tourists who are not used to these roads but are in their vehicles and driving like maniacs trying to overtake at every blind turn possible. पता नहीं ये blind turn की overtaking का क्या भूत सवार है सारी दुनिया को। But good ride guys, I am satisfied with this ride. Yeah. This looks like the place. Jade Farms. Yes, the Jade Grid. Sorry, not farms. Grid. How do I go inside? But
एंड लेट्स सी।